रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया हर कोई देता है, लेकिन उसका तरीका क्या होता है यही आपको खास बनाता है और यही दरअसल ये बताता है कि आपका अनुभव कैसा रहा है, आपने उम्र गुजारी है या फिर उसे बेहद ग्रेसफुल अंदाज में जिया है। जैसे कि धर्मेंद्र, जी हाँ, आपको बता दें कि हाल ही में धर्मेंद्र ने अपनी आने वाली वेब सीरीज ताज डिवाइडेड बाय ब्लड से अपने किरदार का पहला लुक जारी किया था। सोशल मीडिया पर ये लुक शेयर करके धर्मेंद्र बेहद खुश और एक्साइटेड थे। आपको बता दें कि इस सीरीज से धर्मेंद्र अपना ओटीटी डेब्यू करने जा रहे हैं, जो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। इस सीरीज में धर्मेंद्र सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का किरदार निभाते दिखेंगे। बहुत एक्साइटमेंट के साथ धर्मेंद्र ने ये लुक शेयर किया और कहा कि ये मेरा एक छोटा सा किरदार है, लेकिन ट्रोलर्स बाज नहीं आए और उन्होंने धर्मेंद्र जैसे लेजेंडरी एक्टर को ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक ट्रोलर ने धर्मेंद्र की पोस्ट देखकर लिख दिया कि ये स्ट्रगलिंग एक्टर की तरह बिहेव क्यों कर रहा है। धर्मेंद्र ने ये कमेंट देखकर बहुत ही शालीनता के साथ इसका जवाब दिया है, जो लगातार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने ट्रोलर का नाम लिखते हुए लिखा कि लाइफ एक खूबसूरत स्ट्रगल है, आप, मैं और सभी यहाँ स्ट्रगल ही कर रहे हैं। थक के बैठ जाने का मतलब सपनों का मर जाना और खूबसूरत सफर का अंत है। ये जवाब सुनकर फैंस लगातार उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं। वही ऐसा ट्रोलिंग करने वाले व्यक्ति की जबरदस्त खिंचाई की जा रही है। एक और ट्रोलिंग के जवाब में धर्मेंद्र ने कहा, जब उन्हें ये कहा गया कि आप पागल तो नहीं हो गए, तो धर्मेंद्र ने बहुत प्यार से जवाब दिया कि जिंदगी एक पागलपन है और ये पागलपन बने रहना चाहिए। धर्मेंद्र के ये जवाब देकर उनके फैंस तो मदहोशी हो गए हैं और उनके लिए सम्मान सोशल मीडिया पर और ज्यादा बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। लगातार उनके लिए लिखा जा रहा है कि सर, आपको ढेर सारा प्यार और सम्मान, आप वाकई में एक लेजेंड है।